जय हिंद आप सभी लोगों को। देखिए अब आपका नेक्स्ट ईयर आ गया 2023। आप सभी लोगों को कितनी बार बोलते रहा हूँ भैया 2023 फरवरी में बहुत ज़्यादा ये जो मिनिस्ट्रियल वाले हैं सबका एग्ज़ाम इसी फरवरी मार्च जनवरी से पूरा आप लोग तैयारी करते रहिए। इसी महीने में अगले महीने में जनवरी फरवरी में हो जाएगा। और चलिए यहाँ पर आइए आपको आज का वीडियो में किस चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में आपकी मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी आ चुकी है। हालांकि मैं वीडियो को लेट बना रहा हूँ, टेलीग्राम में मैं सबसे पहले आपको आते ही इंटीमेट कर दिया था, तो चलिए लेट नहीं करते हैं और यहाँ पे पॉइंट पे आते हैं। बात करते हैं कि ASI स्टेनो और हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 लिखा हुआ है, जिसका 2023 में इसका एग्जाम आपका सब कुछ यहाँ पे आपको बता दूंगा। यह फॉर्म आपका 4/1/2023 से होगा और 25/1 लगभग आपको 25 दिन का टाइम मिल रहा है फॉर्म को फिल करने में। आज है आपका 2, परसों से आपका चालू हो जाएगा, तो आपको बता दूंगा कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कहां से फिल होगा। और ये लिंक आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ये CRPF.com से आप भर सकते हैं जा करके। और यहाँ पे वैकेंसी देखिए बहुत ज़्यादा इसमें वैकेंसी दे दिया है, 1315 वैकेंसी आपका मिनिस्ट्रियल में है और ASI स्टेनो में 143 वैकेंसी, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। देखा जाए आपका जैसे कि असम राइफल हवलदार क्लर्क का हो गया, आपका SSB हो गया, CISF का हो गया, BSF का हो गया, इन सब का जितना भी DRDO का हो गया, NDA का जो अभी आया है उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। सबसे ज़्यादा आपका इसी में वैकेंसी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए आपका जो भी पे स्केल है 25,529, 25,200 रुपये, ये सब तो है आपका। यहाँ पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये आपके यहाँ फुल नोटिफिकेशन है कब से चालू होगा, कब तक भरा जाएगा, और कंप्यूटर बेस्ड आपका एडमिट कार्ड आए आपके मतलब कंप्यूटर पे ही आ जाएगा, पोस्ट ऑफिस से नहीं भेजा जाएगा। और सबसे मेन चीज़ क्या है यहाँ पे देखिए, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका 22 से 28 फरवरी के बीच में 2023 देख सकते हैं, जिसके बीच में आपका किसका है FCAT का भी आपका शेड्यूल किया जा रहा है। तो आप कोशिश करिए कि सेंटर इसी के बीच जहाँ पे अपना FCAT का सेंटर डाले हैं या और एग्ज़ाम का इसी DRDO का, उसी के लगभग आप इस वहीं पे इसका भी सेंटर डालिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो। आप नीचे आ जाइए, देखिए गर्ल्स वोल्स के लिए भी भैया यहाँ पे लिखा गया है, गर्ल्स वोल्स के लिए वैकेंसी को हम सबको दे रहे हैं फ्री, जेंडर जो भी है लड़कों से पैसा लिया जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, 100 रुपया ही ले रहे हैं। नीचे आ जाइए, देखिए आपका वैकेंसी इसका कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, रिजर्वेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। एज लिमिट क्या है कि 1926/1998 से पहले नहीं जन्म होना चाहिए और 25/1/2005 के बाद का नहीं जन्म होना चाहिए। ये आपको डेट ऑफ ब्लॉक देख लिए ना, और OBC के लिए जो भी रिलैक्सेशन मिलेगा उसे देख लीजिए। और फिर अब आगे आ जाइए, ये पूरा जो भी है 10+2 का वैकेंसी एलिजिबिलिटी क्या है, 12वीं आपको पास होना चाहिए, परसेंटेज कोई मायने नहीं रखता है, 100 रुपया आपका लगेगा। आप यहाँ से भीम UPI नेट बैंकिंग इन सब से आप अपना पेमेंट कटा सकते हैं। और चलिए सिटी देख लेते हैं किस किस सिटी में है आपका, ये आंध्र प्रदेश का सिटी देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, त्रिपुरा, कर्नाटक, झारखंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, या UP का देख लीजिए, आगरा, अलीगढ़, बनारस, लखनऊ, मथुरा, ये सब हो गए। बिहार का देख लीजिए, दरभंगा, रोहतास, पूर्णिया, केरल, ये सब आप सेंटर अपना देख लीजिए। और यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा पहला, फिर उसके बाद स्किल टेस्ट होगा टाइपिंग, जिसमें 35 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी इंग्लिश के लिए चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी के लिए चाहिए। ASI स्टेनो को वही जो सबका है 80 वर्ड पर मिनट का डिक्टेशन वाला जो रहना चाहिए। फिर इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आपका क्या होगा, इसमें रनिंग का नहीं है, मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा इसके बारे में। और फिर उसके बाद क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, बेस्ट टेस्ट आप देख लीजिए, 90 मिनट मिलेंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आप देख लीजिए ABCD इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल है, तो ये बहुत ही अच्छा है और इसका मेरिट भी काफ़ी अच्छा जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड यही SSC वाला पूरा पैटर्न है, आप एकदम चार्ट जाइए इसको, सेक्शन BD, BCD बायलिंगुअल दोनों लैंग्वेज में रहेगा। और यहाँ पे देख लीजिए, या देखिए स्किल टेस्ट आपका कितना है, या 80 वर्ड पर मिनट है डिक्टेशन वाला स्टेनो वालों के लिए और टाइपिंग वाले लोगों का मैं बता दिया हूँ। और यहाँ पे हाइट देख लीजिए, मिनिमम वही 165 एज यूजुअल जो भी रहना चाहिए। अगर आपको देखना है तो वीडियो को पॉज करके यहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं। 162.5 फीमेल के लिए कितना है आप देख सकते हैं यहाँ पे, 155 और 150 यहाँ पे है हाइट, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यह सारी चीज़ें लगेंगे और अभी आपका आगे CISF का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन सब का होने वाला है, तो आप उसके लिए तैयार रहिए, बिल्कुल एकदम मस्त रहिए,
पढ़िए दबा करके जितना हो पाएगा। और यहाँ पे ये सब मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन को धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करके दिखा दे रहा हूँ। बाकी आपको कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम चैनल है उस पर, और आपका पर्सनल यूज़र असिस्टेंट मिल जाता है नीचे वीडियो के वहाँ पे। जैसे भी आपको हो सके मेल पे पर्सनल यूज़र असिस्टेंट कमेंट करके, जैसे भी आप आ करके वहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। और यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट यही खुला हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये देखिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जो चल रहा है, 1, 2, 3 एडवर्टाइजमेंट एक्टिव 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 है। यहाँ से आप डिटेल करके और सब कुछ जानकारी को जान सकते हैं। तो आपसे इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर जय हिंद।